Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. रावलपिंडी टेस्ट के बाद मुल्तान टेस्ट में भी इंग्लैंड के शिकंजे में पाकिस्तान। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड शुरुआती दोनों टेस्ट जीत चुकी है और 22 साल बाद पाकिस्तान को उसी की सरजमी पर टेस्ट सीरीज भी हराई है। इंग्लैंड ने इससे पहले पाकिस्तान को उसी की सरजमी पर साल 2001 में खेली गई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराया था और अब 2022 में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसी के घर में हराया है। हालांकि मुल्तान टेस्ट की कहानी रावलपिंडी टेस्ट से बिल्कुल अलग रही, लेकिन इसका रिजल्ट इंग्लैंड के पक्ष में ही गया। इंग्लैंड की पहली पारी महज 281 रनों पर सिमटी, लेकिन जवाब में पाकिस्तान की पहली पारी महज 202 रनों पर ही सिमटी। इस तरह इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत 79 रनों की लीड के साथ की और अपनी दूसरी पारी में 275 रन बोर्ड पर लगाए। इस तरह कुल मिलाकर पाकिस्तान को इस मुल्तान टेस्ट में 355 रनों का लक्ष्य मिला। हालांकि मुल्तान टेस्ट की ये कहानी अभी सिर्फ तीसरे दिन के खेल तक ही पहुंची थी और पाकिस्तान के पास करीब 2.5 दिन का पूरा समय बाकी था इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए। पाकिस्तान ने इस लक्ष्य की शुरुआत काफी मजबूती के साथ भी की थी और तीसरे दिन की समाप्ति तक उसने बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 198 रन भी लगा दिए थे। उसके पास 2 दिन के खेल का पूरा समय बाकी था और सिर्फ 157 रनों की ही जरूरत थी। लेकिन इंग्लैंड ने एक बार फिर बताया कि क्यों उन्हें क्रिकेट के नए युग की टीम कहा जा रहा है। जब इस टीम ने पाकिस्तान को 328 रनों पर ऑल आउट किया और 26 रनों से न केवल यह मुकाबला जीता बल्कि तीन मैचों की ये टेस्ट सीरीज में 2-0 की विजय बढ़त भी बना ली। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।